Recently, Anup Jalota revealed his hair transplant fee and reacts to Bigg Boss fee at a press conference. हाँ ये हो सकता है क्योंकि मुझे दूसरों के प्राइस नहीं मालूम हो सकता है उनको जो भी मिल रहा हो लेकिन अगर मुझे दूसरों के प्राइस आप बता दें तो मैं इसका जवाब दे दूंगा कि मैं हाईएस्ट हूँ या लोएस्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते मुझे मेरा मालूम है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद मैं ताजमहल होटल खरीद लूंगा वहाँ नहीं हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना मैं इसके पहले विग पहनता था लेकिन हमको एक हमारे पास एक दिन एक डॉक्टर आए उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप सेठी ये शायद मई या जून की बात है इस साल की उन्होंने आके मुझे कहा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ और मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैं आपके ही गाने सुन के पढ़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती थी और कंसंट्रेशन मेरा बढ़ा और मुझे पढ़ाई में बहुत फ़ायदा हुआ मैं आज बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का तो मैंने कहा बहुत खुशी हुई बैठिए चाय वाय पीजिए फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ मैंने कहा वो क्या कहते हैं मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ तो मैंने कहा मुझे तो ज़रूरत नहीं है विग लगा रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहने लगे नहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा आप करा के देखिए मैंने कहा ठीक है चलिए करिए और उन्होंने सच में बहुत अच्छा किया आप मेरे बाल देख रहे हैं ये डॉक्टर प्रदीप सेठी का कमाल है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि जिसको जिसको ज़रूरत है वो वहाँ ज़रूर जाए मैं तो नहीं रखता जी, अगर वो रखती हैं तो बहुत अच्छा जरूर ये तो उसकी मर्जी है ना उसकी मर्जी बाकी ये नहीं रखते तो जबरदस्ती थोड़ी बात खत्म हो गई मैं ही नहीं रखता कुछ रह गया था लेकिन ली नहीं ना ली नहीं डेफिनेटली उसका 7 लाख रुपए खर्चा आता है लेकिन मुझसे इसलिए नहीं ली कि उनको अपनी पढ़ाई में मेरे गानों से बहुत हेल्प मिली तो उन्होंने नहीं ली आज भी वो आते हैं मिलते हैं बहुत प्रेम से तो गुरु दक्षिणा है उनकी ओर से इट्स अजय रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम